नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, 99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। इसी माह की 12 तारीख को मीरालम टैंक के पास मोहम्मद शरीफ नामी एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी। ये वारदात कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई, जिसके फौरी बाद कालापत्थर पुलिस हरकत में आते हुए इस मामले में मुलव्वज़ 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए आज अदालती तौहील में दे दिया। ACP चारमीनार श्री अंजैया ने तमाम तफसीलात से वाकिफियत कर इन्होंने तफसीलात में बताया कि कत्ल की वजूहात पुरानी खुसूमात बताई जा रही है, जिसमें 7 साल कबल अतुल्लाह के छोटे भाई मोइस, जो शिकार के दौरान तालाब में एक हादसाती तौर पर गिरकर फौत हो गए थे, जबकि अतुल्लाह का कहना है कि इसमें शरीफ का ही हाथ था, जिसके चलते इन्होंने इसी खुसूमात को बरकरार रखते हुए इसका बदला लिया। आइए नाजरीन इस मामले के ऊपर एक तफसीली रोशनी डालते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहीम के साथ। दोपहर में अंदाज़ा 3 बजे पौने 3 बजे से वो टाइम पे ताटबंद में मीरालम टैंक के पास ये मर गए सो वाला मोहम्मद शरीफ है, वो बच्चा एक टैंकर ये काम करता है, एक टैंकर पे टैंकर का वो ओनर है दाऊद, उनका टैंकर नंबर 1620। उन्हें पानी भर के बाहर निकलता निकल के टाइम पे जो अक्यूज्ड है मोहम्मद अत्ताउल्ला, सोहेल अत्ताउल्ला, परवेज ये लोग और यासिन वगैरह लोग जमा होके उनको पहले बातों में रख के एक थोड़ी देर के बाद उनका जब भी उनका भाई वो मर गए, उनका भाई बिलाल करी कंप्लेंट, उन्हें भी पानी भरने के लिए अंदर आ रहा था, उन्हें बाहर जाना, वही टाइम पे ये लोग उन्हें बाई जाने तक वेट करके बाद में हमला करे, वो हमला करके उनके वो मार डाला, वो देख के वो उनका भाई और पुलिस इमिडिएटली वो इंजर्ड को वो उस्मानिया जनरल अस्पताल को शिफ्ट करे, उधर डॉक्टर्स एग्जामिन करके उनके जब भी उन्हें मर गए बोल के डिक्लेयर करें। इसके लिए वजह क्या है बोले तो वो अंदाज़ा 7 साल के पहले 2011 जुलाई में अब मर गए सो शरीफ जो अक्यूज्ड का बड़े भाई मोहम्मद मोइज अताउल्ला और एक तीसरा आदमी है फयाज, ये तीनों मिलके वो बोट शिकार के लिए मीरालम टैंक को गए। एट द टाइम दैट एक्सीडेंटली वो बोट में वो पलटा हो गया, उसमें मोइज अताउल्ला मर गया। जब से दो अक्यूज्ड है, ये अक्यूज्ड और ये मोहम्मद अताउल्ला और सोहेल अताउल्ला मेरे भाई का यही लोग दखल दिया पानी में डूब जाने वजह से उन्हें मर गया बोल के यही लोग है रिस्पॉन्सिबल बोल के उनके जब से वजह से टाइम के लिए देख रहा था, ये डर से वो लोग उनका फैमिली भी जो मर गया वो शरीफ का फैमिली भी हसन नगर से शास्त्री नगर को शिफ्ट हो गया, फिर भी वो नहीं छोड़े, जब से वो इंतजार करके आज प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये दिन में 12 का दिन में मार डाला कई सिंपल के वजह से हमारा ये केस है। वो उनका भाई मर गया, वो जब टाइम पे जब ये जब मरे गए उस आदमी का उम्र सिर्फ 16 ईयर्स में उनको क्या हाल रहता, उनको मार डालना और ढकलना बोल के भी नहीं मालूम। ये जो केस हुआ वो केस के वजह से जब से उनका 16 ईयर्स बोले तो ये मार डाले वाले को वो 14 रहता, नहीं है तो 13 रहता, फिर भी छोटा दमक में उतना ये उम्र से उनको कैसा वो निकाल देना बोल के सोचे तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इसके बारे में मैं ये सभी लोगों को गुजारिश करूँगा, वो आई एम अपीलिंग द सोसाइटी एंड द एल्डर्स आर रिलीजियस एल्डर्स एंड सोशल वर्कर्स एंटायर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन
जिसके छोटा छोटा एक काला पत्थर में अब तक 5-6 मर्डर्स हुआ एक साल में। ये पूरा 5-6 मर्डर में भी वो मार डाले वाला भी वो मर गए वाला भी 50 साल 30 साल के अंदर लोग हैं। ये सोसाइटी के लिए काम करने के टाइम पे ये लोग ऐसा वो केसेस में क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो रहा, अगर नहीं है तो मर जा रहे, ये अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। इसके लिए कुछ रास्ता हमारा कंधे पे है देखने के लिए, वो लोगों को समझाना, हम ये रिस्पांसिबिलिटी हम लेना, इसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ। और एक इसके लिए इसके सिलसिले में हम सब लोगों को बात करके ये जल्दी से जल्दी एक प्रोग्राम बनना चाह रहे हैं, उसके पूरा एक पेरेंट्स को और बड़े लोगों को टीचर्स को सोशल साइकोलॉजिस्ट को मिला के एक प्रोग्राम बनना चाह रहे हैं कुछ चेंज के लिए। थैंक यू। आपके द्वारा मैं मेरा ऑफिसर्स को मेरा कोलिग्स को मैं दिल से तारीफ करूँ कर रहा हूँ। ऑफेंस होते ही आई एम वेरी हैप्पी टू से मैं ऑफिसर इंस्पेक्टर इमिडिएटली विद इन नो टाइम इज विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी द इंजर्ड, वेर एज माई डिटेक्टिव इंस्पेक्टर विक्रम सिंह विजिटेड द स्पॉट by putting one SI Mahendra Reddy there, one SI Upender, and by forming another party headed by Mahendra Reddy, and he himself taken two constables and went for searching of accused. Due to their efforts, वो लोगों का efforts वजह से accused को रास्ता मिला। वो रास्ता कैसा मिला, कैसा अरेस्ट करे, ये मौका में और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये हमले में वन ऑफ द इंजर्ड सोहेल अत्ताउल्ला रिसीव्ड ए सिवियर इंजरी आल्सो, सिवियर इंजरी आल्सो। ही हैज अप्रोच्ड वन हॉस्पिटल, ही हैज गॉट ट्रीटमेंट, वी आर गोइंग टू एग्जामिन द डॉक्टर आल्सो एज ए विटनेस। द डॉक्टर हैज राइटली गाइडेड हिम टू अप्रोच OGH फॉर MLC केस, सो इट इज डॉक्टर हैज डन गुड थिंग as a doctor given first aid and as a responsible person and medical officer, he has guided the injured to approach OGH for MLC case. So that piece of evidence will help us to strengthen this case. Due to the combined efforts of my officers including Durga Prasad inspector Bahadurpura and Inspector Kanakaya, Inspector Vikram and my SIs Mahendra Reddy and Upender, the accused were rounded in early hours and they were remanded and produced before the court.